तो जहाँ भी मुझे हरियाली दिख जाती है मैं वहाँ पे टिक जाता हूँ भाई, तो यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ सचिन एंड यू आर वॉचिंग फील द लाइफ। दोस्तों सुबह के 11 बजे है और मैं घर से निकल चुका हूँ किसी एक अनजान डेस्टिनेशन के लिए। अभी फ़िलहाल मैं लोकल जो साइट्स है यहाँ के अलीबाग में वो फ़िलहाल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा कि मैं एक अननोन प्लेस जो मेरे लिए अननोन था वहाँ पे गया था और जगह इतना मस्त मिला मुझे, वो वाटरफॉल था और पूरा लोकेशन बहुत मस्त था। हालांकि उस टाइम पे मैंने बड़ी रिस्क ली थी, पानी नहीं था, कुछ खाने के लिए नहीं लिया था, तो ऐसी रिस्क आप मत लो। इस बार मैंने सिर्फ पानी लिया है, खाने के लिए कुछ नहीं लिया है। हालांकि ये जो जगह है मुझे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि ये एक जगह है जहाँ पे तालाब वगैरह बना हुआ है तो वहाँ जा सकते हैं और अच्छी प्लेस है, तो आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने आधा रोड आ चुका हूँ मैं, वैसे ज़्यादा दूर है नहीं ये प्लेस। GPS सेट है मेरा, यहाँ से अभी 5 किलोमीटर और जाना है मुझे। ये सिर्फ मैं अलीबाग से थोड़ा ही बाहर निकला हूँ, ये मांडवा रोड पे आता है और जैसे जैसे आगे जाऊँगा वैसे मैं आपको दिखाते जाऊँगा क्या क्या है वहाँ पे। मुझे बताया गया है कि एक डैम है, बड़ा सा तालाब या डैम, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है वहाँ पे, बट जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है हमको, लेट्स गो। अलीबाग में बहुत सी जगहें हैं देखने के लिए, बट ये एक खास दुकान है एंटिक क्लॉक्स की, मतलब स्पेसिफिकली आपको दिखाना था इसलिए मैं यहाँ पे गाड़ी रोक लिया है। ये देखो, ये लाविश एंटिक क्लॉक नाम है इस दुकान का और ये अलीबाग रेवस रोड जो है इसी पर है। तो मैंने मांडवा रोड से राइट लिया है, MIDC रोड है ये, पाइपलाइन रोड, और जैसे मैंने राइट लिया तो सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ गया है। आगे अभी ट्रैफिक जाम लग रहा है मुझे तो ये इतना भी ट्रैफिक जाम नहीं है, एक गाड़ी चल रही सीधी। हाँ, कंटिन्यू स्ट्रेट। और ये देखो, ये बहुत बड़ा पहाड़ है आगे, ये देखो, तो अभी आगे जा करके देखते हैं क्या है माहौल। रास्ते की हालत तो देखो, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। आए 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 आए। एक रोड राइट से भी जा सकते हैं बट हम लोगों को गूगल के हिसाब से चलना है। रास्ते है ही नहीं मतलब यार, ये देखो फुल टाइम ऑफ रोडिंग है ये। अच्छा है अपनी गाड़ी का टेंशन नहीं है, कहीं भी डाल दो आराम से निकल जाती है। ये देखो, ये स्टोन का खदान है शायद। वाव, क्या नजारा है यार। भी के नहीं देखना पड़ेगा जा करके, पहले पैदल जाते फिर देखते, गाड़ी लगा देते यहीं पे। ये देखो नीचे देखो, अरे पूरा पानी भर गया इसमें। पूरा पहाड़ी काट दिया है रे इन्होंने। और ये रोड जा रहा है यहाँ से, पता नहीं यहाँ से जाएगी या नहीं जाएगी गाड़ी अपनी। तो इस साइड में भी खदान है, तो मुझे लगता है ये रोड जाएगा शायद वहाँ पर, पता नहीं यार, सब जगह पे खदान ही है। इधर से गाड़ी जाएगा कि नहीं, चलो ट्रैक्टर वाले हैं इनको पूछ लेते हैं। रास्ता है का ते राम धर्मेश्वर कडे जायला, राम धर्मेश्वर कडे जायला हां ते गाडी जाईल का नाही जाणार असं ते का रस्ता
ना मी तो वरती चांगलं आहे का हा एवढंच करावे का फक्त फक्त चालली जायला पाहिजे अब बोला है उन्होंने कि रास्ता ऐसा है ऐसा मतलब ऐसा देखो अब ये रोड है यहाँ से गाड़ी जाएगी कि नहीं अरे यार जाएगी क्या गाड़ी लगता तो है आ तो जानी चाहिए फिर से एक रिस्क हो जाएगा ये अब उसने बोला है कि आगे ठीक है रोड ये कि यहाँ से गाड़ी आनी चाहिए बराबर और यहाँ से भी अच्छा नज़ारा दिख रहा है ऐसे तो वाव पूरा नज़ारा आ रहा है यहाँ से ये सीधा अगर वहाँ पे वो मांडवा लगेगा मांडवा बीच है मांडवा जेट्टी वगैरह पता नहीं एग्जैक्टली बट इसी साइड में है मांडवा कहीं और कितनी ग्रीनरी है यार सही है चलो थोड़ा आगे देख लेते हैं अगर यहाँ से थोड़ा भी दिख जाता है आगे का रास्ता ठीक तो लेके आएंगे गाड़ी यार ये रोड से अब सच में मुझे लगने लगा है कि मेरे पास थार होता ना तो मज़ा आ जाता था यार ये देखो इस साइड में भी खदान बना हुआ है ना तो यहाँ पे भी पानी भर चुका है पूरा बारिश का पानी पूरा भर चुका है यहाँ पे ये तो बारिश का लग रहा है मुझे बट वो जो है वो बहुत पुराना लग रहा है वहाँ पे ज़्यादा गहरा होगा खड्डा क्योंकि वो पानी का कलर और ये पानी का कलर थोड़ा अलग है और देखो पूरा जंगल वाव क्या नज़ारा है यार यहाँ से बहुत सही है क्या किया जाए आगे चला जाए या रुका जाए तो आगे जाना कुछ ठीक नहीं है मतलब रोड जो है वो काफ़ी गंदा है ये जो लोग जा रहे हैं ये दोस्त मेरे इन्होंने अभी बताया मुझे कि ये जो रोड है यहाँ तक तो बहुत मुश्किल था गाड़ी आने के लिए और आगे भी कुछ ठीक नहीं है रोड तो जाना थोड़ा मुश्किल है तो हम लोग एक काम करते हैं यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ से कुछ अच्छे फुटेज लेते हैं और कुछ अच्छे अच्छे टाइम लैप्स लेते हैं फिर मज़ा आएगा है चलो देख लेते हैं यहीं पे एक छोटा सा झरना दिखा दो आपको ये देखो चुटकू सा झरना वो देखो सामने वाली पहाड़ है ना मस्त हरियाली है वहाँ पे एक्चुअली सब जगह पर है बट वो जो दिख रहे हैं ना छोटी सी पहाड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है और मस्त लग रहा है एकदम ये देखो एक्चुअली ये देखने नहीं आया था मैं कुछ अलग देखने जाने वाला था बट आगे जा नहीं सकते राम धरनेश्वर नाम का जगह है जहाँ पे डैम और एक छोटा तालाब टाइप है कुछ पता नहीं एग्जैक्टली क्या है बट जगह का नाम है राम धरनेश्वर और यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो लड़कों ने बोला मुझे कि 8 किलोमीटर दूर है बट मुझे नहीं लगता क्योंकि जंगल वाला रास्ता है और वो पैदल जा रहे थे शायद इसके लिए उनको लग रहा होगा कि 8 किलोमीटर दूर है बट इतना दूर तो नहीं है ऐसी जगहों पे दोस्तों हमेशा कोई ना कोई साथ रखो अपने साथ में कोई ना कोई मतलब अकेले मत आओ जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि अकेले मत आओ दुकेले आओ तिकेले आओ मोहल्ला आओ पूरा ज़िला लेके आओ बट अकेले मत आओ ये क्या है मेरा कीड़ा बहुत है इसलिए मैं कहीं भी अकेले चले जाता हूँ जगह सच में अच्छा है हालाँकि ये पूरा ये हानि है नेचर को हम लोग बहुत हानि पहुंचा रहे हैं शायद इसीलिए नेचर ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है साइक्लोन आ गया कोरोना तो है ही भाई
पता नहीं और क्या क्या देखना है, बट कुछ भी हो यार नज़ारा मस्त है। देखो ये कोई फैक्ट्री है बड़ी वाली, ये शायद ये पोल्यूशन ही है, पानी है, पूरा समुंदर दिख रहा है आगे से। ये साइड मस्त हरियाली है। ओ पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप का ये दिख रहा है। तो फिर ये कहाँ होगा, मांडवा शायद इस साइड में होगा कहीं। थोड़ा अगर क्लाइमेट और ठीक होता तो मुंबई भी दिख जाता था यहाँ से। नज़ारा मस्त है, मज़ा आ गया। एक्चुअली मैं हूँ घुमक्कड़ प्राणी और मुझे ऐसे पहाड़ों में, बीचों पे, जंगलों में घूमना बहुत पसंद है। हवा हवा हवा, तो जहाँ भी मुझे हरियाली दिख जाती है मैं वहाँ पे टिक जाता हूँ भाई। तो यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़े और एक दो शॉट लेते हैं अच्छे वाले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। सब्सक्राइब फ्री होता है ताकि मैं आपको इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा सकूँ, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो। हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ नया और अच्छा आपको देखने मिले। का एक लाइक और एक कमेंट भी ना इंस्पिरेशन दे जाता है और कुछ अच्छा करने का मोटिवेशन दे जाता है। वाओ नज़ारा मस्त है, सुपर। दो तरफ जो है बादल आ चुके हैं और बारिश भी शुरू हो चुकी है, वहाँ से बारिश शुरू हो चुकी है। हाँ, जहाँ से मुझे जाना है उस तरफ तो नहीं है अभी तक, बट ये पूरी साइड जो है ये बारिश से शुरू हो चुकी है अब। देखो कितना गहरा है ये नीचे। मजा आ गया यार। आप ये बादल देख सकते हो कितने तेजी से भाग रहे हैं, और वहां पे पूरा उन्होंने आक्रमण कर दिया है। देखो ओहो, बादल गरज भी रहे हैं और हो सकता है यहाँ पे भी कभी भी आ जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, सीधा दौड़ लगाना है।